हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिविका ईयरबड्स के बारे में, इसकी क्वालिटी कैसी है, आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे, इसका मॉडल नंबर है डुओपोड्स K2 और यहाँ पे मेन जो आपका ये ईयरबड्स यहाँ पर मिलता है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो यहाँ पर ईयरबड्स दिए गए हैं, ठीक है। 13 mm के आपका इसमें ड्राइवर मिलते हैं, ब्लूटूथ 5.3 है और टच कंट्रोल्स के साथ है। आपका जो लेफ्ट ये है ईयरबड है, इसको आप ट्रिपल प्रेस करते हो तो आपका गेम मोड और म्यूजिक मोड एक्सचेंज होता है, ठीक है, चेंज होता है। तो उसमें आपका जो म्यूजिक मोड है और गेम मोड है उसमें ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है। बाकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसमें आप राइट भी अगर प्रेस करते हो, राइट लॉन्ग प्रेस करते हो तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसमें लेफ्ट लॉन्ग प्रेस करते हो तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। बाकी ये एक बार प्रेस करने से पॉज और दो बार प्रेस करने से आपका नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज इसके साथ साथ चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है हमें। एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, लगभग 2-3 इंच का आपका ये मिलता है आपको चार्जिंग केबल, एंड चार आपको बड्स यहाँ पे मिलते हैं ताकि आपका एक अगर गुम हो जाए या ख़राब हो जाए तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल या लगा लो, ठीक है। तो और ये जो आप चार्जर देख पा रहे हैं, इस केबल बहुत ही थर्ड क्वालिटी का है, पता नहीं कैसे यहाँ पे दिया गया है। कम से कम 100 रुपये का तो लंबा सा, 1 मीटर का तो देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कॉस्ट कटिंग की गई है। और यहाँ पर जो है इसके कागजात यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका कोई मतलब है नहीं। तो गाइज ईयरफोन ईयरबड्स पे कुछ स्पेसिफिकेशन कुछ भी लिखे होते हैं तो इस पर आपको नहीं जाना चाहिए। एक्चुअल जो क्वालिटी है और साउंड है आपको टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे फिर भी लिखा गया है क्लियर कॉल्स विद ANC कॉल पे मैंने यूज करके देखा, क्वालिटी तो अच्छी खासी थी, कोई दिक्कत नहीं था। ब्लूटूथ 5.3 है तो इसका जो रेंज है बहुत ही शानदार है, लगभग 20-25 मीटर के आसपास इसका रेंज है, ठीक है। यहाँ पे सुपर सॉलिड बांस यहाँ पे दिया गया है, लेकिन चलिए इसके बारे में बात करेंगे बाद में लास्ट में। तो गाइस ये है आपका 899 का फ्लिपकार्ट से, ठीक है। इसका चार्जिंग केस है, सबसे पहले यहाँ बात करेंगे, आपको 4 LED लाइट मिलते हैं। जब भी आप चार्ज करते हो तो आपका जो चार्जिंग स्टेटस यहाँ पे बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, इसको जैसे ये लाइट जलता है तो ये लाइट जलता है तो लगता है कि ये भी जल रहा है, तो इसको ठीक से उनको वो नहीं किया गया है, क्या बोलते हैं आप समझ जाना, जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी का इस मेन क्वालिटी जो होता है ईयरबड्स का उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो क्वालिटी है गाइस, जैसे ग्राफिक इक्वलाइजर में 3 तरह के लेवल होते हैं, एक होता है मिड, ट्रेबल एंड बास, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ ये। तो इसका जो ट्रेबल है बहुत ही लो है और मिड थोड़ा ज़्यादा दे दिया गया है और बेस भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो गाइस आप समझ पा रहे होंगे इसका जो क्वालिटी है वो कैसा होगा, बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और अगर आप लो साउंड पर भी अगर आप ईयरफोन को सुनते हो, इसको सुनते हो तो आपका जो कान है 2 मिनट में ही दर्द करने लगेगा, तो इसको ठीक से ट्यूनिंग नहीं किया गया है, मैं तो ये बोलूँगा। तो इसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा नहीं है, तो मेरी नज़र में तो इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी इसको चार्जिंग करके देखा हमने, यूज़ किया, बैटरी बैकअप में कोई दिक्कत नहीं है और इसका रेंज तो बहुत ही शानदार है और क्वालिटी भी ठीक ठाक लग रही है, लेकिन जो अंदर का जो है ना, अंदर का जो राज, इसको ठीक से ट्यून नहीं किया गया है। हो सकता है ड्राइवर भी अच्छा हो, लेकिन जो इसमें चिप जो है, जो भी है, इसको ठीक से ट्यूनिंग नहीं किया गया है, इसलिए जो आवाज़ है वो बोल बिल्कुल ही मतलब कानों को चुभने वाली आती है। मिड ज़्यादा दे दिया गया है, बेस भी थोड़ा सा ज़्यादा है और ट्रेबल तो बिल्कुल ही नहीं है। तो गाइस जो साउंड का जो अपना करेक्टरिस्टिक्स होता है मेन, तो इसको फॉलो नहीं किया गया है, जबकि ट्रेबल को थोड़ा हाई रखना था, मिड को थोड़ा लो रखना था और लो फ्रिक्वेंसीज को थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा रखना था, तब जाके आवाज़ बहुत ही क्लियर आती। तो इसमें आपको क्लियर वॉइस कभी भी नहीं मिलने वाली है, आप म्यूजिक मोड एंड गेम मोड कुछ भी करके देख लो, इसमें म्यूजिक नहीं मिलने वाला है। हालांकि साउंड का जो लाउडनेस है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप
10% 20% पे भी अगर वॉल्यूम पे आप गाने सुनते हो तो आपका जो है कान चुभने लगेगा और दर्द करने लगेगा। तो ठीक है, तो मेरी तरफ से सलाह रहेगी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या जो सब्सक्राइबर नहीं हैं वो भी देख रहे हैं उनको भी, कि इसमें आपको पैसा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जाके दूसरा ईयरफोन ले लो। ठीक है, तो गाइस यही था वीडियो में, मैंने इसको मंगाया था तो सोचा था आपको जो भी मेरे थॉट्स हैं और जो भी मैंने यूज़ किया क्या लगा क्या नहीं लगा कैसा लगा आपको शेयर कर दूँ, ताकि आपका भी कुछ पैसे बच जाएं और सही ईयरबड्स में आप उसको इन्वेस्ट कर सको। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय।